हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में महाअष्टमी के दिन भोग खिलाया जाता है और उसके साथ सर्व की जाती है एक टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जो कि भोग के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं उसी चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशा का किचन में। चटनी बनाने के लिए आधा किलो टमाटर लिया है मैंने, जिसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। और टमाटर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल लाल है और बिल्कुल अच्छी तरह से पका हुआ है। इसी तरह का टमाटर का इस्तेमाल करें चटनी बनाने के लिए। तो टमाटर को हमें रफली चॉप कर लेना है। एक टमाटर से हमें 7 से 8 टुकड़े काट लेने हैं। और ये जो चटनी है आप भोग के साथ खाएं बहुत टेस्टी लगता है, बट आप इसे चाहें तो इसे आलू पराठा, सत्तू पराठा, पूरी, नान किसी के साथ खाएं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और सबसे खास बात है कि आप इसे बना करके 7 से 8 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाता है। तो टमाटर को हमने काट लिया है और एक इमली का बीज है जिसे हमने गुनगुने पानी में डिप कर दिया है ताकि इसका पल्प हम लोग निकाल सकें। कढ़ाई गरम कर लेंगे और गरम कढ़ाई में डालेंगे हम लोग 1 चम्मच सरसों का तेल। तो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा तेल डालेंगे। और तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे पचफोरन। तो पचफोरन के साथ ही मैंने 1 चुटकी मंगरेल डाल दिया है, जिसको काला जीरा भी बोलते हैं, और 3 तेज़पत्ता डाल दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे सुनहरा होने तक भून लेंगे। सुनहरा होने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही ऐड कर देंगे हम लोग टमाटर। इस तरह से लाल मिर्च पाउडर का फ़ौरन देके अगर चटनी आप बनाते हैं तो चटनी का जो कलर है अच्छा आता है, साथ में स्वाद भी बढ़ जाता है। मिक्स कर देंगे और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो रखेंगे। और इसमें अब हम लोग डालेंगे नमक। तो नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो जो कुकिंग टाइम है वो भी फास्ट हो जाएगा। 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक करके 6 से 7 मिनट पका लेंगे ताकि जो टमाटर है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 7 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा के चेक करेंगे तो अब देख पा रहे होंगे टमाटर ने पूरा पानी रिलीज कर दिया है और टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम लोग पलटे से चलाते वक्त टमाटर को मैश करेंगे, इस तरह से जो चटनी है बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। तो आप जितना ज़्यादा मैश करना चाहें कर सकते हैं, थोड़ा थिक रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीनी। तो 1/2 कटोरी के आसपास मैंने चीनी डाल दिया है और 2 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के हैं मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। आप किसी एक चीज़ से भी बना सकते हैं। 3 से 4 काजू है और 10 से 12 किशमिश है, इसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि जो गुड़ और चीनी है अच्छी तरह से टमाटर के साथ पक जाए और जो चटनी है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा के चटनी को चेक कर लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे चटनी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आया है। इसे अब हम लोग थोड़ा सा और भूनेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे चटनी को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और इसे मैश करते रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे चटनी बन करके तैयार है, इससे ज़्यादा मैश ना करें। अब इसमें हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे इमली का पानी जो हमने फूलने के लिए रखा था। तो टमाटर ऑलरेडी खट्टा रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा खट्टे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट इस चटनी में थोड़ा सा इमली का रस डाल देने से जो स्वाद है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिक्स कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और चटनी जो है बन करके तैयार है। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने इस चटनी को बना करके तैयार कर लिया है। अब हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो गर्मा गर्म मैंने आज इसको खिचड़ी के साथ ही सर्व किया है। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।